नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में एक महिला का बस से बैग चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत महिला ने थाने पहुंचकर की है। बैग में महिला का सामान व गहने रखे हुए थे। मामला इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र के नौलखा बस स्टैंड का है, जहाँ आयुषी तिवारी नामक महिला कटनी से इंदौर की बस में सफर कर रही थी। जब वो देर रात इंदौर के नौलखा बस स्टैंड पर पहुंची, तब उसने देखा कि उसका डिक्की में रखा हुआ बैग नहीं है। जब उसने बस स्टॉप को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद आयुषी ने संयुक्तागंज थाने पहुंचकर अपने बैग चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। बैग में उनका ज़रूरी सामान और कीमती गहने रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बस स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। एक मामला सामने आया है जिसमें फरियादी के द्वारा रिपोर्ट की गई, जो कि बस स्टैंड से सफर कर रही थी संयुक्तागंज क्षेत्र में वो उतरी। जब उसने देखा तो उसका बैग गायब था, उसका बैग कहीं पीछे किसी के द्वारा उतार लिया गया है। तो इस आधार पर उसके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है थाना संयुक्तागंज में। इसमें ये आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, बस के जो भी स्टाफ है उनके उससे भी, और इसके अलावा जहाँ जहाँ CCTV लगे हुए हैं और फुटेज भी देखे जा रहे हैं, उनसे आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कहाँ पर इसके बैग उतारा गया है। आइडेंटिफिकेशन के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।